नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज पे। तो इस वीडियो में जो हम गेमिंग टेस्ट करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस में आफ्टर वन यूआई 3.0 के अपडेट के बाद, एंड्रॉइड 11 वर्जन के इस अपडेट के बाद। तो जो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो वन यूआई वर्जन 3.0 है, एंड्रॉइड वर्जन 11 है, और ये जो है सैमसंग गैलेक्सी जो है S20 प्लस है। तो अभी जो आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूं, जैसे कि जो हमने डिस्प्ले जो है 1080p पे जो है सेट किया है, ये जो एक्सिनोस 990 का जो है हमारा वर्जन है। आप यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स देख सकते हो, 1080p है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। यहाँ पे आपको बाकी सारी सिस्टम सेटिंग्स दिख जाएंगी। यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज देख लीजिए, 38% पे है, और बैटरी टेम्परेचर देख लीजिए, 37% पे है। तो अभी जो हम जो है गेमिंग शुरू करते हैं। सेटिंग्स में आपको एक बार गेमिंग की दिखा देता हूँ कि कौन से सेटिंग पे जो हम गेमिंग करने वाले। तो ये रही स्मूद एंड एक्सट्रीम है, तो अभी शुरू करते हैं। क्योंकि जो वन यूआई 3.0 अपडेट आने के बाद जो फोन की रिस्पॉन्सिवनेस जो है बढ़ गई है, बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा मुझे इंप्रूव लगा और एक ऑप्टिमाइज हो चुका है फोन, इसलिए मैंने चाहा कि जो है आफ्टर वन यूआई 3.0 अपडेट के बाद जो एक बार गेमिंग टेस्ट हो जाए। तो हमारा गेम शुरू हो चुका है। और ये जो है हम 60 हर्ट्ज पे खेल रहे हैं, 120 हर्ट्ज पे नहीं खेल रहे हैं, फिर एक बार बताता हूं। ये जो है 60 हर्ट्ज पे हम जो है गेम खेल रहे हैं। I need a weapon. Team match, let's go. नॉकआउट हो चुके हैं। कोई फ्रेम ड्रॉप या फिर कोई हमें इश्यू अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा है, गेम प्ले एकदम स्मूथ दिख रहा है अभी तक के लिए। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम इसे थोड़े ज्यादा टाइम के लिए। हो चुके हैं नॉकआउट। फिर हो गए नॉकआउट। फिर नॉकआउट हो गए, फिर ट्राई करेंगे। फिर नॉकआउट कर दिया हमें, फिर ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट जो अभी 4 मिनट्स हो चुके हैं गेमिंग करते हुए, और 1 मिनट जो हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर जो है टेम्परेचर देखेंगे फ़ोन का, और बैटरी परसेंटेज चेक करेंगे। फ़ोन टच करने में तो कुछ मतलब ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। Location. No mercy.
5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़ा खेलेंगे हम और फिर जो है टेम्परेचर एंड बैटरी परसेंटेज देखेंगे। ये लास्ट राउंड खेलेंगे और फिर जो है अभी हम जो है बैटरी परसेंटेज और टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं अभी सीपीयू जेड में, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 40 डिग्री पे जो है फोन चला गया है और बैटरी परसेंटेज है 36% पे। तो जो है डेफिनेटली जो 3% जो है टेम्परेचर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो है फोन में जो है कोई लैगिनेस या फिर स्लोनेस नज़र नहीं आ रहा है। फिर एक बार जो हम कंटिन्यू करेंगे सेम सेटिंग्स पे, सेटिंग्स चेंज नहीं करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे सेम ही सेटिंग्स पे करेंगे, बैटरी परसेंटेज फिर एक बार 1% से कम हो चुका है, 35 पे आ गया है। फिर स्टार्ट कर दिया हमने, फिर एक बार ट्राई करेंगे। और हमें जो है माली जो जीपीयू इसमें यूज़ हुआ है माली का, उसका भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, वो जो मैं आपको गेम ख़त्म होने के बाद जो एक बार बता दूंगा कि आपको जो अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाके किस तरह से करना है। उस अपडेट को करने के बाद भी जो आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो है फ़ोन में नज़र आएगी, स्पेशली जीपीयू टास्क में, जैसे कि गेमिंग हुआ या फिर बाकी टास्क हुए जो जीपीयू ओरिएंटेड होते हैं। ओके हो गए हम नॉकआउट, फिर ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट जो 8 मिनट्स हो चुके हैं, 8 मिनट 10 सेकेंड होने आया है। हम जो है 10 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जो है फिर एक बार टेम्परेचर चेक करेंगे और बैटरी परसेंटेज जो है चेक करेंगे। अभी भी जो है गेम एकदम स्मूथ चल रहा है, फोन ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है, फ्रेम ड्रॉप लैग या ऐसी कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है। फोन जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है सेम है। कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। फिर एक बार ट्राई करेंगे। टेन मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार हम टेम्परेचर और जो है
बैटरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी जो टेम्परेचर है 41 हो चुका है और बैटरी परसेंटेज जो है 34% पे है आफ्टर 10 मिनट्स। तो फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं अप टू 15 मिनट्स तक। नॉकआउट हो गया है, फिर एक बार ट्राई करेंगे। और ये हम मोबाइल डेटा पे खेल रहे हैं, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है और जो है नेटवर्क इशू भी कुछ नहीं आ रहा है। उस दिन जो थोड़ा नेटवर्क की वजह से जो हमें थोड़ा लैग वगैरह देखने मिला था, आज वैसा कुछ नहीं है। और फिर हम सेम कंडीशन में जो गेमिंग कर रहे हैं, मतलब बंद रूम है एकदम, और उसमें जो हम गेमिंग कर रहे हैं तो भी नेटवर्क में वगैरह कोई इश्यू नहीं आ रहा है। ब्लू टीम जो है जीत चुकी है। फिर ट्राई करेंगे, फिर खेलेंगे अप टू 15 मिनट्स तक। फोन थोड़ा सा गर्म लग रहा है टच करने में, लेकिन कुछ ज्यादा गर्म नहीं है। टेम्परेचर जो कुछ 41 था लास्ट टाइम हमने जब चेक किया था, अब इससे खेलने के बाद जो फिर एक बार जो हम चेक करेंगे। और इस बार जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करने को ट्राई करेंगे। अभी हम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो है गेमिंग करेंगे इस बार इस तरह से। तो ये मीडिया विद मीडिया साउंड्स। तो अभी जो हमारी जो है रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है बैकग्राउंड में, जैसे कि आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पे आप सेकेंड्स देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो अभी साउंड भी रिकॉर्ड करेगा हमारा S20 Plus, और जो ये गेमिंग भी जो है रिकॉर्ड करेगा। और साथ ही में जो हम गेमिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा हम ज़्यादा जो है GPU को स्ट्रेस दे रहे हैं, फ़ोन को स्ट्रेस दे रहे हैं और गेमिंग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं परफॉर्मेंस जो हमें किस तरह से देखने मिलता है। फिर ट्राई करेंगे। अराउंड 14 मिनट्स हो चुके हैं, 14 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। तो 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जो है, और यहाँ पे 2 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जो है, हम फिर एक बार टेम्परेचर और जो बैटरी परसेंटेज है चेक करेंगे।
तो ये गेम हम जो है होने देते हैं, ये वाला लास्ट। ओके हो गया, जैसे बोल दिया। तो हम एक बार जो है टेम्परेचर और जो है बैटरी परसेंटेज चेक करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी जो है अभी भी ऑन है। तो अभी जो है टेम्परेचर अराउंड 43 हो चुका है और बैटरी जो है हमारी 31% हो चुकी है। तो इसे वापस कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि 43 के ऊपर जो है टेम्परेचर जाता है या नहीं और कितना ऊपर जाता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमारी जो है ऑन है। अराउंड 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स तक की जो है रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारी और उसे भी और कंटिन्यू करेंगे। और अभी भी जो परफॉर्मेंस जो है फोन का बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। जैसे कि हमने गेम की शुरुआत की थी तभी जैसा परफॉर्मेंस था, ऑलमोस्ट जो है वैसे ही परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, लैगिनेस वगैरह कुछ नहीं देखने मिल रहा है। स्लो डाउन नहीं है कहीं पे, फ्रेम ड्रॉप नहीं है, नेटवर्क इशू भी नहीं आया अभी तक कुछ भी। ऑलमोस्ट जो है 4 मिनट की जो है हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने इसमें फ़ोन में ऑन की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो ऑन करने के बाद जो हमारा गेमिंग है अराउंड 17 मिनट्स हो चुका है टोटल वीडियो हमारा। तो अराउंड हम कहेंगे कि 15 मिनट्स की गेमिंग की है। तो अभी वापस एक बार जो टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो 43 डिग्री था टेम्परेचर, अभी देख लेते हैं तो जो अराउंड उतना ही है, अराउंड 43.8, मतलब 0.8 में जो है थोड़ा इंप्रूव हुआ है टेम्परेचर। और बैटरी परसेंटेज जो है 30% है। तो अभी जो है लास्ट एक बार हम खेल लेते हैं और फिर एक बार चेक करते हैं कि 43 के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर जाता है या नहीं। तो अभी लास्ट गेम एक करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हमारी अभी भी ऑन है बैकग्राउंड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके फिर एक बार इसे ऑन करेंगे, स्टॉप हो गई थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम इसलिए ऑन कर रहे हैं ताकि हमें कुछ अगर फ्रेम ड्रॉप वगैरह नजर आए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद ऐसा कुछ होता है तो आपको पता लग सके अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो है गेमिंग करना चाहते हो। तो इसलिए जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो है गेमिंग कर रहे हैं। टीम मैच लेट्स गो।
ऑलमोस्ट जो है 2 मिनट के लिए अभी हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो रही है, 2 मिनट्स कंप्लीट होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। फिर एक बार ट्राई करेंगे। 3 मिनट्स की जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है फोन में, और ये जो हमने दूसरी बार जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की थी गेमिंग करते टाइम, और स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे जो हम गेम खेल रहे हैं रेजोल्यूशन 1080 पे सेट है, और जो है डिस्प्ले जो रिफ्रेश रेट है 60Hz पे हमने सेट किया है। तो अभी जो हम ये लास्ट गेम खेलेंगे, अभी इसमें अगर हम नॉकआउट वगैरह हो गए तो मैं जो आपको लास्ट टाइम जो टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज दिखा दूंगा। फ़ोन जो है थोड़ा मतलब गर्म लग रहा है, हीटअप मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है खेलते टाइम, डेफिनेटली प्लेबल है, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं लग रहा है अभी भी। लास्ट टाइम हमने जो टेम्परेचर चेक किया था 43 था, तो अभी जो हम फिर एक बार जो टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी जो है टेम्परेचर 44 हो चुका है फाइनली, और जो बैटरी परसेंटेज है 27% है। तो इस तरह से जो आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो है आप गेमिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन जो आपका बैटरी ड्रेन है और जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा इंप्रूव होगा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो है गेमिंग करना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, डेफिनेटली जो 1UI 3.0 अपडेट आने के बाद जो है फोन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, फोन में ऑप्टिमाइजेशन जो ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं एक बार आपको माली GPU का बताता हूँ आपको प्ले स्टोर में जाके कैसे उसे अपडेट करना है। तो इस तरह से आपको प्ले स्टोर में जाना है, माई एप्स एंड गेम्स में जाना है, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखेगा सैमसंग गेम ड्राइवर, इसे भी जो आपको अप टू डेट रखना है, तो जिससे कि जो आपके GPU रिलेटेड टास्क होंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिस रिलीज सपोर्ट्स द फॉलोइंग गेम्स, ब्लैक डेजर्ट, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो यहाँ पे PUBG का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जो PUBG मोबाइल इंडिया जो है अभी तक यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो है वो भी गेम भी जो है इसमें ऑप्टिमाइज हो जाएगा यहाँ पे लॉन्च होने के बाद। तो आपको जो इसे अप टू डेट रखना है सैमसंग गेम ड्राइवर को माली के मतलब GPU रिलेटेड टास्क के लिए। तो यही था हमारा गेमिंग रिव्यू PUBG मोबाइल इंडिया का आफ्टर 1UI 3.0 अपडेट इन सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus के रिलेटेड मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।